नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दग्दा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल बेल आइकन द्वारा बिल्कुल न भूले। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक रील का पेमेंट प्रूफ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि भाई आपको यहां पर एक चीज क्लियर हो सके कि जब भी आपका अगर आपका जो है फेसबुक रील जो है वीडियोज अगर आपकी मोनेटाइज हो गई है या मोनेटाइजेशन जब भी आपका इनेबल होगा तो उसके बाद आपको कितने व्यूज पर कितने पैसे मिलेंगे। और साथ ही हम लोग गाइस इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि आप अपने कम व्यूज पर भी ज्यादा कुछ अर्निंग आप कैसे कर सकते हो फेसबुक पर रील अपलोड करके, और जो भी आप पैसे कमाते हो उसको आप कैसे विड्रॉल कर सकते हो, कितने आपके जो है यहाँ पर पैसे हो जाएंगे उसके बाद पैसे विड्रॉल होंगे। लेकिन इससे पहले गए सबसे पहले तो आप यार फेसबुक रील का पेमेंट प्रूफ देख लो। मैं हूँ फेसबुक की होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको फेसबुक की रील से के अर्निंग से रिलेटेड आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना। अभी सबसे पहले तो भाई आप पेमेंट प्रूफ देख लो। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपनी खुद की प्रोफाइल पर। जैसे यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और आप अभी यहां पर देख सकते हो कि मेरी टोटल अभी यहां पर एंगेजमेंट वगैरह कितनी कम दिखाई पड़ रही है। यहां पर गाइस मैं आ जाऊंगा, एक ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाता है पेआउट्स का। अभी यहां पर मेरे में ऐड हो गया, आप में शायद ये ऑप्शन ना ऐड हुआ हो या हो गया हो। यहां पर गाइस आप यहां पर क्लिक करके आप अपने पिछले मंथ की अर्निंग चेक कर सकते हो। तो मैं यहां पर गाइस पेआउट्स पर क्लिक करूंगा। अभी आपके सामने मेरी जो अर्निंग है वो आपके सामने शो हो रही होगी, $0.04 की मेरी जो है अर्निंग हुई है। व्यू डिटेल्स पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर गाइस आपको देखने को मिल जाएगा 30 सितंबर 2022 को जो मेरी अर्निंग हुई है वो $0.04 की हुई है। इतनी कम क्यों हुई है? क्योंकि गाइस मैं ज्यादा यार एक्टिव नहीं रह पाता हूं, और ये जो अर्निंग है ये सितंबर की है, और सितंबर में ही शायद से जो है मेरी फेसबुक की जो आईडी है ये जो है मोनेटाइज हुई थी, और उसके बाद से मैंने जो है कुछ वीडियोज अपलोड किए। फिर जो है मैं ज्यादातर जो एक्टिव रहा वो अक्टूबर में एक्टिव रहा हूं। तो गाइस यहां से यार कुछ खास जो है क्लियर नहीं हो रहा कि आपको कितने व्यूज पर कितने पैसे मिलेंगे। और अभी जो मेरा जो मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था वो सितंबर में हुआ था, इसलिए गाइस मैंने एक अपने दोस्त से मैंने जो है एक स्क्रीनशॉट लिया उसकी आईडी का, उसके माध्यम से गाइस मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना चाहूंगा। तो अभी गाइज आप देख सकते हो कि मैं इस भाई के स्क्रीनशॉट पर आ गया हूँ। यहाँ पर गाइज आपको टोटल रीच वगैरह जो आपको 28 दिन की देखने को मिल रही होगी वो 30,86,397 टोटल इनकी रीच जो है आई हुई है, और इस पर जो है इनके टोटल जो व्यूज आए हैं वो 30,86,397 आए हैं, और इस पर जो इनको अर्निंग हुई है। यहाँ पर गाइज अर्निंग जो होती है वो आपकी डिपेंड आपके एड इंप्रेशंस पर करती है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर जो भी आपको अर्निंग होगी वो आपके एड इंप्रेशन पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि जो इनके व्यूज आए हैं उस पर जो एड चलाए गए हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर एड इंप्रेशंस, और यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा 4,042 एड इंप्रेशन चलाए गए, मतलब 4,042 यहाँ पर एड दिखाए गए, उससे गाइज यहाँ पर इनको जो अर्निंग हुई है $1 की यहाँ पर अर्निंग हुई है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आपकी वीडियो पर 4,647 एड दिखाए जाएंगे तो उस पर आपको $1 की यहाँ पर अर्निंग हो जाएगी, और ऐसा यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। गाइज देखो, जैसे आपका यूट्यूब पर है कि यूट्यूब पर जो भी आपको अर्निंग होती है वो एक एस्टिमेटेड अर्निंग होती है, मतलब एक अनुमानित होती है, उसी तरीके आप लोग यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हो कि 4,647 मेरी वीडियो पर व्यूज दिखाए जाएंगे तो उस पर मुझे $1 की यहाँ पर मेरी वीडियो पर एड दिखाए जाएंगे तो उस पर मुझे यहाँ पर $1 की जो है अर्निंग होगी। लेकिन गाइज यहाँ पर कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। देखो गाइज, आपके जो है कम व्यूज पर भी आपको यहाँ पर ज्यादा अर्निंग हो सकती है। कैसे होगी गाइज, कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर आपके तकरीबन 30 लाख जो है यहाँ पर 30 लाख 31 लाख अगर आपके व्यूज आते हैं तो आपको यहाँ पर तकरीबन $1 की जो है अर्निंग हो जाएगी। लेकिन फिक्स नहीं है गाइज, आपके यहाँ पर कम जो है व्यूज पर भी आपको यहाँ पर ज्यादा अर्निंग हो सकती है। अगर आपका लक यहाँ पर अच्छा रहा, आपने वीडियोज अपलोड किया, आपकी वीडियो पर ज्यादा एड दिखाए गए तो गाइज आपको यहां पर एब्सोल्युटली ज्यादा अर्निंग हो जाएगी। बट वहीं पर गाइज अगर आपने वीडियो अपलोड किया, आपके वीडियो पर व्यूज तो आए बट एड अगर आपकी वीडियो पर कम दिखाए गए तो यहां पर अर्निंग गाइज आपको जो है थोड़ी कम हो जाएगी। बट यहां पर अगर हम लोग बात करें एक एवरेज की, तो यहां पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि 4,647 अगर आपकी वीडियो पर एड इंप्रेशंस आते हैं तो आपको यहां पर एवरेज $1 की आपको जो है यहां पर अर्निंग हो जाएगी। और जो भी ये आपको अर्निंग होगी इसको आप कैसे विड्रॉल कर पाओगे, कब पैसे आपके बैंक में आएंगे, कंप्लीट जानकारी दूंगा। इससे पहले बात करें कि आप अपनी फेसबुक पर रील अपलोड करके आप अपने कम व्यूज पर भी एक अच्छी खासी
ज्यादा से ज्यादा आप अर्निंग कैसे कर सकते हो? तो गाइज आप दो कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। पहला क्या है कि गाइज अगर आपकी वीडियो पर जो भी व्यूज आ रहे हैं वो इंडिया के बाहर से अगर आ रहे हैं तो आप यहां पर एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। क्यों होगी गाइज आपको अर्निंग? क्योंकि गाइज जो विदेशों के जो एड्स आते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। लोग देखो इंडिया के लोग क्या है, ये एड पर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कंपेयर टू विदेश के। तो यहां पर क्या है, विदेशों में लोग क्या करते हैं, एड पर ज्यादा पैसे लगाते हैं और उसकी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर ऐसे एड गाइज अगर आपकी वीडियो पर आते हैं तो अगर आपकी वीडियो में ऐसे एड दिखाए जाएंगे तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, इससे गाइज आपको यहां पर ज्यादा अर्निंग होगी। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो कंटेंट आपका विदेश में भी देखा जाए, मतलब इंडिया में भी देखा जाए और विदेश में भी लोग उसको देखें, पसंद करें। अगर ऐसा कुछ आप कंटेंट बना सकते हो तो गाइज आप अपने कम व्यूज के साथ आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या है यहां पर ज्यादा अर्निंग करने का कम व्यूज के साथ, तो गाइज दूसरी कंडीशन हमारी जो हो जाती है वो ये है कि गाइज जैसे आप यहां पर कुछ टैग कैटेगरी में अगर आप वीडियो बना सकते हो, रील्स ही आपको बनानी है, आप टैग कैटेगरी में बना सकते हो। जैसे यूट्यूब पर अगर आप टैग कैटेगरी में वीडियो बनाते हो तो आपको उस पर ज्यादा अर्निंग होती है, क्योंकि टैग कैटेगरी के जो एड्स दिखाए जाते हैं टैग कैटेगरी में वो उन पर जो है क्या होता है ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं। तो ऐसे में गाइज अगर आप कुछ अपनी टैग कैटेगरी की वीडियो बनाते हो और अगर आप जो है उसको अपलोड करते हो तो उस पर जो है यहां पर जो एड आएंगे उनकी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, इससे गाइज आपको यहां पर ज्यादा अर्निंग हो सकती। तो आप अगर आपको कम व्यूज पर ज्यादा अर्निंग करनी है फेसबुक पर रील अपलोड करके तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और यहां पर गाइज आप जो भी अर्निंग करते हो, जो भी आपको यहां पर $1, $2, $3 जो भी आपको अर्निंग हो रही है, इन पैसे को आप अपने जो है बैंक अकाउंट में विड्रॉल कैसे ले सकते हो? रील से कमाए हुए पैसे को विड्रॉल लेने के लिए आपको सिंपल सा गाइज आपको अपनी प्रोफाइल पर आना है, ऊपर ट्रिपल लाइन पर आपको क्लिक कर देना है प्रोफाइल पर ही। उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आना है, यहां पर गाइज एक ऑप्शन पे आउट्स का देखने को मिल जाता है। तो यहां पर गाइज आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो भी आपकी अर्निंग होगी वो सारी यहां पर शो हो जाएगी। और पैसे को विड्रॉल लेने के लिए गाइज आपने जब भी अपने मोनेटाइजेशन को इनेबल किया होगा तो वहां पर एक बैंक अकाउंट आपको ऐड करने के लिए बोला गया होगा। मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप नीचे जाके वॉच कर सकते हो। तकरीबन 20 से 25 दिन पहले मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी कि फेसबुक की रील पर मोनेटाइजेशन को इनेबल कैसे करें। तो आपने वो वीडियो नहीं वॉच की तो आप उस वीडियो को वॉच करोगे तो वहां पर A to Z आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। वहां पर मैंने बता रखा है एक जगह आपको जो है बैंक अकाउंट अपना जो है ऐड करना होता है, तो वहां पर गाइज अगर आपने ऐड कर दिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो यहां पर भी ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का। जैसे आप क्लिक करोगे सेटिंग पर तो यहां पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि मेरा जो है बैंक अकाउंट यहां पर ऐड हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने ऐड कर रखा है और बैंक अकाउंट नंबर भी मेरा यहां पर थोड़ा सा शो हो रहा है। अपडेट पर क्लिक करके आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, न्यू बैंक अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हो, या कोई अगर बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आप यहां पर ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद यहां पर जो भी आपको अर्निंग होती है उसको आप विड्रॉल कैसे कर सकते हो? तो यहां पर गाइज आप अपने पैसे को तभी विड्रॉल कर सकते हो जब आपके यहां पर टोटल बैलेंस जो है वो आपके यहां पर $100 के हो जाते हैं, मतलब $100 आपका यहां पर जैसे कंप्लीट हो जाएगा सेम यूट्यूब की तरह। तो फिर गाइज आपको यहां पर विड्रॉल करने की जरूरत नहीं, आपने बैंक अकाउंट डिटेल यहां पर ऐड कर दी है, आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके जो है बैंक अकाउंट में, यहां पर जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे महीने के जो है 30 तारीख को आपका पैसा अपडेट हुआ, यहां पर टोटल आपको यहां पर देखने को मिलने लगा कि हाँ आपके $100 कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पैसा 10 दिन के अंदर में, अगर आपने यहां पर बैंक डिटेल वगैरह ऐड कर रखी है तो 10 दिन के अंदर में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। आई होप कि गाइज आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए गाइज चलते हैं, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय।